अपना हम नया टॉपिक शुरू करते हैं और उस टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस से क्या कहने का मतलब है मेरा, मान लीजिए जैसे ये 100 लिखा हुआ है तो इसमें कितने ट्रेलिंग जीरो है, एक और ये दो। ठीक है, अगर 5000 लिखा हुआ है तो इसमें कितने ट्रेलिंग जीरो है, एक दो तीन। ठीक है, तो ऐसे ही कोई नंबर आपको मिले और आपसे पूछा जाए कि कितने ट्रेलिंग जीरो है तो पीछे से देखिए कितने जीरोस हैं उसमें। ठीक है, बट ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएंगे आपके सामने कि सामने नंबर लिखा हो अगर आपसे पूछेंगे कि बताओ इसमें कितने जीरोस हैं। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना है, इसका कंसेप्ट समझना है कि किसी भी चीज़ को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद या ऐड करने के बाद या सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितने नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस आ सकते हैं और उसके पीछे क्या कारण हो सकता है ट्रेलिंग जीरो आने का। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ज़ीरो किसी भी नंबर में यूनिट प्लेस पर अगर ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी पर्टिकुलर नंबर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर क्या बन जाएगा, 10 टाइम्स बन जाएगा। मतलब मान लीजिए 12 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, 120 बन गया। अब 120 में कितने ट्रिलिंग ज़ीरो हैं, एक ज़ीरो है। मगर ये एक ज़ीरो कैसे आया, जब 12 10 से मल्टीप्लाई हुआ, समझ में आया। और 10 के लिए आपको क्या चाहिए, 2 चाहिए और 5 चाहिए, 2 चाहिए और 5 चाहिए। ये बात समझ में आई। तो अब आपको कभी भी पूछे कि इस नंबर में कितने ट्रेलिंग ज़ीरोज होंगे तो आप देखो कि उसमें कितने 2 हैं और कितने 5 हैं। ठीक है, उसमें कितने 2 हैं और कितने 5 हैं, और 2 के और 5 के पेयर्स बनाएंगे अपन तो 2 और 5 के जितने इक्वल पेयर्स बन जाएंगे उतने नंबर ऑफ ज़ीरोज होंगे। समझ में आया, ऐसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी नंबर में आपने देखा कि 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 3 है तो आप पेयरिंग बनाओगे 2 और 5 की तो उसमें उनकी हाईएस्ट पावर क्या ले सकते हो, मिनिमम ऑफ 2। तो यहाँ पर इन दोनों पावर में से मिनिमम कौन सा, 2 है। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 5 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। मतलब उस नंबर में ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे, 100 होंगे। ये बात समझ में आए। ठीक है, तो ट्रेलिंग ज़ीरो के लिए जो कंसेप्ट है वो ये है कि आपको देखना है कि उस नंबर में कितने 2 हैं और कितने 5 हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ध्यान से सोचा जाए तो किसी भी नंबर में 2 तो ज़्यादा हो सकते हैं 5 के मुकाबले। ये बात आप समझते हैं, किसी भी नंबर में अगर हम फैक्टोरियल की बात करें, समझ लीजिए अगर हम फैक्टोरियल की बात कर रहे हैं तो फैक्टोरियल में जैसे कि 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल ऐसा कुछ आ रहा है तो उसमें नंबर ऑफ 2 कितने होंगे, 5 के मुकाबले ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए 100 है, ठीक है, 100 फैक्टोरियल है। अब 100 फैक्टोरियल में आप कितने नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज होंगे ये निकालना है आपको, कितने नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज होंगे ये निकालना है। तो अब एक तरीका ये कि इसमें देख लो 2 की कितनी पावर है और 5 की कितनी पावर है, 2 की कितनी पावर है उसको निकालने का तरीका क्या होता है कि इस 100 को आप 2 से डिवाइड करते जाओ, ये कितना आएगा 50, फिर 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 25, फिर 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 12, फिर 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 6, फिर 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 3, फिर 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 1। तो ये 50 और 25 कितना हो गया 75, 75 और 12 कितना हो गया 87, 87 और ये 10 कितना हो गया 97। इसका मतलब 100 फैक्टोरियल में 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 97 है। अब 5 की पावर देखो तो 5 की पावर के लिए क्या देखोगे, 100 फैक्टोरियल में 5 की हाईएस्ट पावर कितनी हो सकती है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा 20, फिर से डिवाइड करोगे कितना आएगा 4। अब इससे ज़्यादा डिवाइड तो होगा नहीं, इसका मतलब ये कितने आएंगे इसमें 24, इसमें कितने आएंगे 24। इसका मतलब 5 की जो हाईएस्ट पावर है वो 100 फैक्टोरियल में कितनी है 24 है। ठीक है, तो अब आपको चाहिए था कि 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे। ठीक है, तो अब आप ये सोचो कि 10 कैसे बनेगा, ट्रेलिंग जीरो मतलब जीरो लाने के लिए क्या चाहिए, 10 चाहिए। तो 10 कैसे बनेगा, 10 बनेगा 5 और 2 दोनों से। आपके पास 2 कितने हैं, 97 टूज हैं आपके पास, और 5 कितने हैं 24। तो पेयरिंग अगर आप करेंगे तो कितने पेयर्स बनेंगे आपके पास, 24 पेयर्स ही बनेंगे। इसका मतलब 100 फैक्टोरियल में कितने ट्रेलिंग जीरोज़ हैं, 24 ट्रेलिंग जीरोज़ हैं। ये बात समझ में आई। अब जो मैं कह रहा था कि अगर आपको
किसी में भी अगर ट्रेलिंग जीरो निकालना है तो आप 5 की पावर देखो, वो इसलिए बोल रहा था कि देखो अब ये फैक्टोरियल वाले केस में, स्पेशली फैक्टोरियल वाले केस में नंबर ऑफ 2 तो आपको हमेशा ज़्यादा ही मिलेंगे एज कम्पेयर टू 5, क्योंकि 2 में भी 2 होगा, 4 में भी 2 होगा, 8 में भी 2 होगा, 16 में भी 2 होगा, 32 में भी 2 होगा, 64 में भी 2 होगा, ऐसे 2 तो आपको बहुत सारे मिलेंगे एज कम्पेयर टू 5। तो पेयर जब बनाएंगे आप तो पेयर में आपके दोनों की जो पावर्स मिलेगी उसमें से जो मिनिमम पावर होगी आप उसी को सेलेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप सीधे सीधे क्या करो, कोई भी फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन आए और उसमें बोले कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो निकालो, तो आप तो सीधे 5 की हाईएस्ट पावर देखना उस फैक्टोरियल में, और जितनी 5 की पावर होगी उतने ही नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस उसमें होंगे। ठीक है, तो अगर इस कंसेप्ट के साथ अगर हम कुछ एग्जांपल करके देखें, तो अगर कोई आपसे बोले कि 125 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे, तो 125 को आप किससे डिवाइड करो, 5 से, ये कितना हो जाएगा 25, फिर 5 से करो, फिर 5 आएगा, फिर 5 से करो, फिर 1 आएगा, तो ये टोटल कितने आएंगे, 31। इसका मतलब 31 जीरोस होंगे 125 फैक्टोरियल में, ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे, 31 होंगे। मान लीजिए अगर कोई आपसे बोले कि 150 फैक्टोरियल में ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे, तो आप क्या करोगे, 150 को 5 से डिवाइड करोगे, ये कितना हो जाएगा 30, फिर 30 को फिर से 5 से डिवाइड करोगे कितना होगा 6, फिर 6 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 1, टोटल ये कितना हो जाएगा 37। इसका मतलब ये हो गया कि 150 फैक्टोरियल में 37 ट्रेलिंग जीरोस होंगे। समझ में आया, आसान है। मान लीजिए आपके पास आ जाए 60 फैक्टोरियल, तो 60 फैक्टोरियल में कितने ट्रेलिंग जीरोस होंगे, तो आपने देखा 60 को 5 से डिवाइड किया तो 5 12, फिर 5 2 इतने, मतलब इसमें कितने होंगे 14 ट्रेलिंग जीरोस होंगे। ठीक है, मतलब 60 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे, 14 होंगे। ये बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं? अच्छा, मान लीजिए आपके पास आ जाए 149 फैक्टोरियल आ जाए, तो 149 फैक्टोरियल में कितने होंगे, अब 149 को आप 5 से डिवाइड करो, तो 149 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो 5 2 10 कितना बचेगा 49, 5 9 45, ये हो गया। अब 29 को 5 से डिवाइड करो तो 5 5 25, फिर इसको करो 1, तो 29 और ये 1, 30 और ये 5, 35। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि 149 फैक्टोरियल में 35 ट्रेलिंग जीरोस होंगे। ये बात समझ में आई, आसान है, इजी है, तो मेरे ख्याल से ये तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब एक और एग्जांपल देखिए। मान लीजिए आपके पास आ जाए 60 फैक्टोरियल और उसकी पावर आ जाए 4, 60 फैक्टोरियल और उसकी पावर आ जाए 4, तो अब आपको बताइए कि इसमें ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे। तो आप सबसे पहले देखो कि 60 फैक्टोरियल में कितने ट्रेलिंग जीरोस हैं, तो 60 को आपने कितना से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया, तो ये कितना हो गया 12, फिर 2, तो ये हो गया 14, मतलब 60 फैक्टोरियल में 10 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 14 होगी, और इसकी पावर कितनी हो रही है, 4 हो रही है, इसका मतलब 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 56, इसका मतलब 60 फैक्टोरियल टू द पावर 4 में कितने ट्रेलिंग जीरो होंगे, 56 ट्रेलिंग जीरोस होंगे। ये बात समझ में आ गई, 56 ट्रेलिंग जीरोस होंगे, इसमें कोई दिक्कत? मान लीजिए आपके पास आ जाए 25 फैक्टोरियल और उसके ऊपर आ जाए 4 फैक्टोरियल, अब बताइए इसमें कितने ट्रेलिंग जीरोस होंगे, 25 फैक्टोरियल और उसकी पावर कितनी है 4 फैक्टोरियल, तो बताइए इसमें कितने ट्रेलिंग जीरोस होंगे। तो आपको ये समझना है कि 25 फैक्टोरियल में सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कितने जीरोस हैं। ठीक है, तो 25 फैक्टोरियल में अगर आपको नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस देखने हैं तो आप क्या करोगे, 25 को 5 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 5, फिर क्या मिलेगा 1, तो कितने जीरोस आएंगे 6 आएंगे, इसका मतलब ये हो गया 10 की पावर 6, और 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24 होता है। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करने पे कितना मिलेगा 10 की पावर 144, 10 की पावर इसको थोड़ा सा 10 की पावर कितना मिलेगा 144, इसका मतलब 25 फैक्टोरियल टू द पावर 4 फैक्टोरियल में 144 ट्रेलिंग जीरोस पाए जाएंगे। ये बात समझ में आसान है, इजी है। एक और चीज़ बहुत ही आसान न्यूमेरिकल देखते हैं, मान लीजिए 2 की पावर 222 इंटू 5 की पावर 555, इनको मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए इसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे। अब आप सोचो कि जब 2 की पावर आपके पास है, 5 की पावर आपके पास है और आपको 10 बनाना है, तो 10 बनाने के लिए मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने पेयर बना पाओगे आप इसमें,
क्योंकि नंबर ऑफ टू और नंबर ऑफ फाइव बराबर होने चाहिए। यहाँ तो नंबर फाइव बहुत ज़्यादा है आपके पास, उतने टू है ही नहीं आपके पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि टू इंटू फाइव जब आप करोगे तो इनमें आप मैक्सिमम कितना ले सकते हो, इन दोनों का मिनिमम, इन दोनों का मिनिमम कितना है, टू 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 मतलब टेन की पावर कितनी हो जाएगी, टू 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 मतलब इसमें 222 ट्रेलिंग जीरोस पाए जाएंगे, इस नंबर में 222 ट्रेलिंग जीरोस पाए जाएंगे। ये बात समझ में आ गई, इजी है। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास आ जाए 10 इंटू 100 इंटू 1000 इंटू 1000। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, ये हो गया आपका 10 इंटू 100 इंटू 1000, फिर ये हो गया आपका 10,000। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लाई होता जा रहा है और यहाँ पर लास्ट में हो गया ये 10 की पावर 10। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसमें नंबर ऑफ़ ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ़ ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे। तो इसको अगर ध्यान से देखें तो ये लिखा है 10 की पावर 1, फिर ये लिखा है 10 की पावर 2, फिर लिखा है 10 की पावर 3, फिर लिखा है 10 की पावर 4, फिर ऐसे लिखा है 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9 और 10 की पावर 10 तक ही गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, अच्छा इसमें मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो गए। अच्छा अब मल्टीप्लाई होते हैं तो इंडाइसिस का रूल लगेगा, तो इसमें पावर्स क्या हो जाएंगी, ये ऐड हो जाएंगी। मतलब 10 की पावर कितनी होगी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे आप, 10 तक जाएंगे। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखो तो ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कितना हो जाएगा, 10, 10 प्लस 1, 11 अपॉन 2, मतलब ये हो जाएगा 55। ये कितना हो जाएगा, 55, मतलब 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 55। इसका मतलब इस नंबर में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे, 55 ट्रेलिंग जीरोस होंगे। ये बात समझ में आ गई, इस नंबर में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने हो जाएंगे, 55 ट्रेलिंग जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक और चीज़ देखते हैं। मान लीजिए आपके सामने लिखा हो 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 प्लस, ऐसे करते करते यहाँ पर 10 की पावर 10 है और बोल रहा है इसको ऐड करो और बताओ यूनिट प्लेस पे क्या होगा, यूनिट प्लेस पर क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये 10 लिखा आपने, उसके बाद आपने क्या लिख दिया, 100 लिख दिया, उसके बाद आपने कितना लिख दिया, 1000 लिख दिया, उसके बाद आपने कितना लिख दिया, 10,000 लिख दिया। ऐसे ही आप करते जाओगे, ऐसे ही करते जाओगे और ये लास्ट में जो नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा, इसमें 10 जीरो हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे। अब आप इसको ऐड करोगे तो आप देखो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सब में 1-1 मिलते जाएंगे, यहाँ पर आपको सब में क्या मिलते जाएंगे, 1-1 मिलते जाएंगे। इसका मतलब इस पूरे नंबर में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक होगा, 1 ट्रेलिंग जीरो। समझ में आया, ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, ये तो बहुत ही आसान था, बहुत ही ईजी था। ठीक है, चलिए आगे और भी न्यूमेरिकल देखते हैं। सफलता के लिए ज्वाइन करें सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट भोपाल, एक बार एडमिशन कराएं और जब तक मनपसंद जॉब ना मिले क्लास अटेंड करते जाएं। बैंक, रेलवे और एसईसी की तैयारी अब हमारी जिम्मेदारी, सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट।